कि कोई इंपैक्ट आए या वो कॉम्प्रोमाइज हो या कोई उसके अंदर इशू आए बहुत ज्यादा रिस्की होता है कि ऐसे एरिया को इतनी स्ट्रेटी के बाद भी ये क्लेम करना कि आ, जो हमारा हाई इंपैक्ट एरिया है वो अभी भी बग फ्री है या डिफेक्ट फ्री है दैट्स पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू ये स्वयंटी उस वक्त भी ज्यादा हो जाती है जब आपकी एप्लीकेशन रियल टाइम हो रियल टाइम से मुराद ये है कि रन टाइम पे कुछ कैलकुलेशंस करके वट इज वट इज पाथ इसकी जो क्लासिक एग्जाम्पल है ना मल्टीपल uh, एग्जाम्पल एक, एक है वो अभी वो फ्लाई कर रहा है जो उसका पाथ है वो रन टाइम भी कैल्कुलेट हो रहा होता है यानी उसको नेविगेशन सिस्टम फ्रॉम द ग्राउंड उसको गाइड कर रहा होता है कि वो जिस पाथ पे जा रहा है वहां पर कोई क्लूजन तो नहीं हो सकता वहां पे वो वहीं पे आई मीन अपनी डेस्टिनेशन के पाथ पे ही है एंड सो ऑन एग्जाम्पल कोई, uh, uh, कोई कोई nuclear, for example, कोई न्यूक्लियर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है एप्लीकेशन है तो वहाँ अगर कोई स्लाइट एर स्लाइट भी हुआ टू अस्टर इफेक्टिवली सोइंट विच आई एम ट्राइंग टू स्टैब्लिश इज के डिस्पाइट ऑफ नो मैटर हाउ गुड योर डिफेक्ट प्रिवेंशन एंड डिफेक्ट रिमूवल स्ट्रेटीज आर स्टिल देर आर इशूज स्टिल देर आर देर इज रिस्क इन क्लेमिंग के हमारा जो क्ट एरिया है वो डिफेक्ट फ्री है तो देर इज अस्क अटैच एंड एवर वी है आ, जो, आ, और इसकी जो ज्यादा इश्यू और भी ज्यादा क्रिएट होता है कि जो आ, जो एक्सेप्शनल यूज केसेस होते हैं या जो एक्सेप्शनल इश्यूज होते हैं वो ड्यूरिंग टेस्टिंग सारे कवर भी नहीं हो सकते क्योंकि यू

केसेस सो स्ट्रेटेजी अब हमारे पास ये है कॉन्टेनमेंट में कि वंस इफ देर इज अ चांस देर इज एन इश्यू या डिफेक्ट अराइज हो गया तो हमारा अब यह है कि हमने उसका इफेक्ट मिनिमम करना यानी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है कि जो ब्रेक और फेलियर या तो का यानी कोई चीज अगर ब्रेक होगी तो उसकी वजह से कोई फेलियर होगा एंड फेलियर कैन भी डिजास्टर इेक एंड फेलियर का कॉम्बिनेशन है ना इसको मिनिमाइज करना है. यानी इसको तोड़ना है ऐसे तोड़ना है कि डैमेज मिनिमाइज हो डैमेज डैमेजी मेरी मुराद ये है कि वी नो इफ देर इज एन एक्सेप्शन देन दे विल बी एक्सेप्शनल वी नो दिस थिंग अब और ये आता है यानी यू यू कैन कैन नॉट नॉट इट इज नॉट पॉसिबल इट इज पॉसिबल अब इश्यू ये है कि आपने उसके कॉज को या उसके इफेक्ट को उसकी ब्रेकेज को मिनिमाइज करना है कॉन्टेन करना है उसको पहले से रोकना है यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सेप्शनल केसेस में की वजह से आपका जो कॉमन केस है वो ब्रेक होना शुरू हो जाए तो ये बेसिकली डिफेक्ट कंटेनमेंट का क्रक्स है